तो दोस्तों आज मेरा खाने पीने का सिस्टम नहीं है क्योंकि नाश्ता ही इतना ज़्यादा हो गया है ना। सुबह नाश्ता भी किए थे और अभी भी नाश्ता बहुत बचा हुआ है इतना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में सभी का स्वागत है। दोस्तों जमशेदपुर तो कल ही आ चुके थे, तो आज कंपनी खुला है। तो खुला है तो पूरा जाम लगा हुआ है, पूरा रोड में पूरा जाम लगा हुआ है। अभी तक हमारा जो है कुछ बात नहीं हो रहा है कि खाली होगा कि क्या होगा। आज तो कंपनी खुल गया है, फिर सुनने में आ रहा कि बंदी होगा 30 तारीख को। बहुत समस्या में दुविधा में फंसे हुए हैं। हम भी सोच रहे जल्दी से खाली हो जाए तो हम भी निकले यहाँ से बाहर, क्योंकि दशहरा में फिर जानबे का था टाटा में वो ज़्यादा दशहरा होता है तो गाड़ी घोड़ा का सब बंद हो जाता है। तो हम भी चाह रहे जल्दी यहाँ से निकल जाएँ, अपना रामगढ़ में त्यौहार व्यौहार भी मनाएँगे, देखेंगे, नहीं तो फिर हम भी फंस जाएँगे ना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब हमारा जो खाली कराते जो है वो अब कब तक क्या बोलते हैं। अभी तक तो कुछ बोले नहीं, कल तो बोले हैं कि आज के विषय में कि आज क्रॉसिंग करा देंगे, ऊपर चढ़ा देंगे ना। ऐसे भी जाम बहुत लगा हुआ, गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। ऊपर पार्किंग में ना बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, मतलब पूरा रोड देख रहे हैं यहाँ तक पूरा लाइन भरा हुआ है। सोचिए ऊपर क्या स्थिति होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कब तक मेरा आता है ऑर्डर। अभी दोस्तों थोड़ा कंपनी के अंदर जा रहे हैं, थोड़ा फ्रेश भी होना था और देखना था कि कितना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर। मतलब हम लोग क्रॉसिंग करके भी अगर अंदर आते हैं तो यहाँ पर गाड़ी खड़ा करने का जगह नहीं है। मतलब ये गेट है, देखिए ये मेन रोड है, इसके यहाँ से स्टार्ट हो गया है जाम लगना। चलिए और अंदर चल के आपको दिखाते हैं, और यहाँ का बाथरूम का भी, मतलब यहाँ का कंपनी कैसा बाथरूम हमें ऑफ़र करता है वो भी आपको दिखाते हैं। ये कुछ हाल है गेट का, देख सकते हैं पूरा गाड़ी खड़ा है। मतलब हमारा गाड़ी हमेशा यहीं पर आके खड़ा होता था, पर अभी जगह ही नहीं है। ये देख सकते हैं, अगर क्रॉसिंग हो भी जाता है फिर भी गाड़ी लगाने का कहीं जगह नहीं। इंट्रागो के पीछे शौचालय बना हुआ है, 5 रुपये लगते हैं शौचालय जाने के लिए, नहाने के लिए 10 रुपये। ये रहा, तो ऐसा कुछ शौचालय ऑफर करते ही कंपनी। दोस्तों आज तो 28 तारीख सुबह हो गया है, अब देखते हैं आज क्रॉसिंग है क्या। कंपनी तो खुल गया है आज, तो देखते हैं आज क्या होता है हमारे साथ में, क्योंकि फिर सुनते हैं बंदी आने वाला 30 तारीख को, तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगा हमको। तो इसी लेकर के आज पूरा कोशिश रहेगा। कल भी हम रात में बात किए हैं तो बोले हैं कि आज करवाने की कोशिश करते हैं, देखिए अब कब तक क्या करते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो अभी हमारा नाश्ता आ गया है, ये हम जा रहे हैं नाश्ता करने। अभी ये चटनी है, ये तो देख ही रहे हैं, और ये सब मिला जुला सब नाश्ता है। और ये है मेरा माँ जो बनाई थी, ये वही वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मतलब पीठा ही टाइप का बोलते हैं, ऐरसा पीठा, इसको ऐरसा पीठा बोलते हैं, गुड़ का बनता है, घाटरा पीठा, घाटरा पीठा बोलते हैं इसको। ये दोस्तों हम लोग सुबह उठ के, मतलब सबसे फ्रेश व्रेश हो करके ब्रश व्रश कर नाश्ता कर रहे हैं, और रात में हम लोग 12-1 बजे तक मोबाइल देखते हैं क्या हालत है इसका, देखिए। अभी तक ब्रश नहीं किया है, देखिए अभी तक ब्रश नहीं किया है, अभी तक सोया हुआ है, रात के 1-2 बजे तक मोबाइल देखता है, सो के उठा नहीं तो ब्रश कहाँ से करेगा। ऐसे भी हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग बोल रहे थे कि हम सुबह सुबह आते देखते नहीं दिखता है, सोया रहता है, तो सही बात है, रात को 2 बजे तक अभी तक मोबाइल देखता है तो कहाँ सुबह उठेगा जल्दी। दोस्तों अभी हमारा जो खाली जो कराता हुआ आया था मेरे पास, वो बिल्टी वगैरह देखा, और देखने बाद बोला कि भाई हम जा रहे ऑफिस में, पता करते हैं क्या होता है। तो वही ऑफिस में गया हुआ, अभी बोलता है बहुत समस्या है माल का, सो गाड़ी बहुत जाम लगा हुआ रोड में। अब अगर मान लीजिए ऑर्डर भी कंपनी देती है ना, तो मतलब पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा, गेट तक पहुँचते पहुँचते, ये भी नौबत है मेरे साथ में। तो अभी तो क्रॉसिंग करना है पहले, तो क्रॉसिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, इधर हमारा इधर क्लियर है, लेकिन वापस आते आते आज का डेट में मुश्किल है। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आप लोग का बहुत कमेंट आता था कि आप लोग जो माइक यूज करते हैं बोलने वाला कौन सा कंपनी का है, तो देखिए दोस्तों यही है ग्रेन नारो वायरलेस माइक है, इसी को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आप लोग देख सकते हैं कंपनी भी लिखा हुआ है इसमें। और दोस्तों फ्लिप ये आपको अमेजोन में मिल जाता है, तो मतलब हम लोग जो सर्च कर रहे थे कि वायरलेस माइक, तो उसमें सबसे अच्छा कम दाम में यही मिला,
ग्रेनारो का वायरलेस माइक, इसमें डुअल चैनल मिलता है आपको, एक चैनल यहाँ है और एक पापा के पास है, और रिसीवर मिलता है जो अभी मोबाइल में लगा हुआ है, रिसीवर मिलता है, वो रिसीवर को कनेक्ट करना पड़ता है अपने फ़ोन में, और ये चैनल के साथ दो चैनल में वीडियो बन जाता है, एक रोहित को दे देते हैं, एक पापा को दे देते हैं। और दोस्तों मेरे पास एक चीज़ और है जो इसको हम अपने जुबान में कहेंगे तो स्टैंड कहेंगे, और ऐसे ही उलांजी का ये देखिए स्टैंड है, इसी को इस्तेमाल करते हैं ये, जैसे कभी भी इसको मतलब ये देखिए कहीं भी मोड़ करके जैसा आपको सुविधा हो वैसा इसको स्टैंड बना सकते हैं। ये भी एक स्टैंड है मेरा दोस्तों, ये ट्राईपोड है जिसको गोरिल्ला पोड भी बोलते हैं, उलांजी कंपनी का MT11, तो ये भी आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों में मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब काम आ जाता है कभी कभी अगर टाइम लैप लेना हो या फिर दूर रख के पापा या रोहित का खाते टाइम वीडियो बनाना हो तो उस पर काफ़ी ज़्यादा काम आ जाता है ये, तो ये भी आप लोग ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो ये ऐसे करके खुल जाता है, यहाँ पर फ़ोन लग जाता है और ऐसे आप टाइप कर सकते हैं, और इसमें और एक चीज़ दिया है ये ऊपर में होल्डर, तो यहाँ पर आप अलग से माइक वगैरह कुछ भी या लाइट वाइट कुछ भी लगा सकते हैं एडिशनल, तो ये भी दिया, और एक साइड में भी एक और यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये बोल हेड है तो ये किधर भी राउंड हो जाता है, यहाँ से इसको ढीला करना पड़ता है, उसके बाद ये किधर भी राउंड हो जाता है 360 डिग्री, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ कर सकते हैं आप लोग। यही दो चीज़ है जो अभी मोबाइल के साथ में हम लोग वीडियो बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इसको मोबाइल के जैसे कहीं भी लगा देते ये भी फंस जाएगा, देखिए इस टाइप का लगा देते हैं हम लोग, तो यही दो आइटम है, हम लोग इसी से भी वीडियो वगैरह शूट करते हैं, और ये स्टैंड हो गया, ये माइक हो गया। तो आप लोगों को बहुत कमेंट आता था कि आप लोग किस चीज़ से मतलब वीडियो माइक के विषय में शूट करते हैं, क्या करते हैं, तो ये देखिए यही हमारा दो आइटम है, इसी से हमारा होता है, ये फ्लिपकार्ट जो होता है, फ्लिपकार्ट जो है उसमें जब मिल जाएगा ये देखिए यही है। दोस्तों पार्किंग में आ गए हैं क्रॉसिंग कराने के लिए, अभी ऑर्डर हुआ है तो क्रॉसिंग को निकले आ गए, बेल्ट वेल्ट खोल रहे कृपा रस्सा, देखते हैं सब ऊपर का माल पहले क्रॉसिंग कराते हैं। सारा रस्सी खोल चुके दोस्तों, अब बस रोहित ऊपर से समेट रहा है सारा, रस्सी खोलने के बाद अब तिरपाल खोलना पड़ेगा, तो हमको भी चढ़ना ही पड़ेगा, तो चढ़ते ऊपर। हमेशा दोस्तों हमें दो त्रिपाल बांधना पड़ता है, एक ये ब्लू वाला और एक वाइट वाला, तो वाइट वाला समझ चुके हैं और ये ब्लू वाला कर रहे हैं, इसमें बस यही प्रॉब्लम है कभी सीधा नहीं होता जल्दी, इसी में टाइम पास हो जाता है हमारा, और मेरा क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट उल्टी का जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं हो पा रहा है, आज सुबह भी दो बार हो गया, खाना खाने के बाद उल्टी हो जा रहा है, अब क्या कर सकते हैं देखते हैं। रामगढ़ में मतलब एक डॉक्टर है जो हमेशा मेरा स्टार्टिंग से इलाज वही किया है, तो उन्हीं के पास जाएंगे, तो रामगढ़ जाना हो सकता है अगर ये इधर फ्री हो जाए तो ठीक है दोस्तों, इधर काम कंप्लीट करने के बाद फिर देखते हैं क्या प्लान बन सकता है। हाँ तो दोस्तों आज मेरा खाने पीने का सिस्टम नहीं है क्योंकि नाश्ता ही इतना ज़्यादा हो गया है ना, सुबह नाश्ता भी किए थे और अभी भी नाश्ता बहुत बचा हुआ है इतना, ये सब खाना ही में चला जाएगा, और कुछ माँ भी बना कर दी थी, ये सब देखिए माँ भी बना कर दी थी, इसमें रखा हुआ है, और इधर भी कुछ नाश्ता वगैरह है, तो इसी ले करके खाने पीने का प्रोग्राम आज कैंसिल है, नाश्ता ही दुनिया भर का है, तो इसी से आज हमारा गुजारा होगा। ठीक है दोस्तों, यह क्रॉसिंग करा के निकलते हैं ऊपर पार्किंग में, देखते हैं फिर ऊपर में क्या होता है, गाड़ी आज अंदर जाता है कि नहीं जाता है। हाँ दोस्तों मेरा क्रॉसिंग हो गया है, वो जा रहे हैं, ये देखे टेलर आ गए कि मेरा माल लेके जा रहा है, उसके पीछे पीछे हम जा रहे हैं, यही मेरा माल लेके जाता है, पहले बार भी गया था लेके और इस बार भी जा रहा है, तो देखिए हम लोग जा रहे हैं साथ में, अब ये भी चलेगा हम भी चलेंगे साथ में, देखते हैं, ऐसे उम्मीद तो है कि अंदर हो जाना चाहिए जिस टाइप का ये बोल रहा है, क्योंकि फिर बंदी उंदी होने वाला है, मतलब कंपनी बंदी, झारखंड बंदी नहीं कंपनी बंदी, और दशहरा के टाइम में ज़बरदस्त यहाँ नोल्टी लग जाता है, मतलब दो तीन दिन का नोल्टी लग जाता है, तो उसके लेके भी हम भी चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी निकल जाए यहाँ से, तो अच्छा रहेगा। दोस्तों ऊपर पार्किंग में गाड़ी लेके आ गए हैं, अभी यह निश्चित है, अब देखते हैं कब तक यहाँ भेजता है यहाँ से ऊपर, और देखते हैं अब सिंह जी क्या ऑर्डर लेके आते हैं, अभी आ ही रहे वो, और सागर को भेज रहे घर, सागर जा रहा था अपना इलाज कराने के लिए, इसका एक डॉक्टर है बचपन से देखते आए वही, तो वही अपना इलाज डॉक्टर।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज दूसरा दिन है, मतलब हम कल ही आ चुके थे घर में, लेकिन फिर अंधेरा होने के कारण फिर हम वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए, आते ही फिर हम भी सो गए थे। तो आज दूसरा दिन है तो वीडियो अभी से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरा भाई शुभम है, आप इसको पहले भी वीडियो हम देख चुके हैं, जब मेरा एग्जाम चल रहा था तो यही गया था वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग को भी पता है कि ज़्यादा बोलता नहीं है ज़्यादा बोलता नहीं है। अरे मेरी मम्मी है दोस्तों। तो आप लोग का कमेंट आ रहा था कि आप जामताड़ा गए थे तो मम्मी और भाई को क्यों नहीं दिखाए। सौरभ अभी नहीं है, सौरभ गया है यहाँ ट्यूशन गया हुआ है, उसका कोचिंग चल रहा है। तो ये मम्मी और हम लोग बाहर, मतलब यहाँ रामगढ़ में रहते हैं मम्मी और दोनों भाई। कारण है कि यहाँ पढ़ने के लिए आए थे ये हम लोग, तो बचपन से यहीं पर रह गए हैं, तो यहीं पर अभी रहना हो रहा, फिर हम लोग जामताड़ा चले जाएंगे, मतलब जब पढ़ाई कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये मम्मी है। सभी भाइयों को मेरा नमस्ते, और जितने छोटे बच्चे हैं उनको मेरा प्यार। ऐसे ही हमारा ब्लॉग देखते रहिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी आप लोगों को घर का और वीडियो देखने को मिलेगा। तो अभी मम्मी पनीर का सब्जी बना रही है, तो आपको इसके अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, यानी कल के। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।